आईपीएल का 16वां सीजन बाकी सभी आईपीएल सीजन से काफी अलग होने वाला है। आईपीएल 2023 में बहुत सारे ऐसे नए नियमों को शामिल किया जा रहा है जिससे इस टूर्नामेंट का रोमांच पहले से और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस साल दर्शकों को आईपीएल के फॉर्मेट से लेकर डीआरएस सिस्टम तक सभी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको नए नियमों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस बार का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो आपको बताते हैं। इस बार आईपीएल की 10 टीमें दो ग्रुप्स में बांटी गई हैं। ग्रुप्स को निर्धारित करने के लिए एक रैंडम ड्रॉ का उपयोग किया गया जिसके जरिए ये तय किया गया कि दोनों ग्रुप्स में कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ एक बार खेलेगी और किसके खिलाफ दो बार खेलेगी। वहीं ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने ग्रुप में अन्य चार टीमों का सामना दो बार करेगी, एक घर पर और एक बाहर खेलते हुए। दूसरे ग्रुप में चार टीमों को एक एक बार और बाकी बची टीम के साथ दो मैच खेलेगी। इस तरह से हर एक टीम 14 मैच खेलेगी। आईपीएल पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और हारने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और फिर अगर मैच ड्रॉ या बिना नतीजे वाला होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। वहीं प्लेऑफ ग्रुप के मैच उसी हिसाब से होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। अब बात करें अगर इस साल आए नए नियमों के बारे में तो बीसीसीआई ने इस बार के आईपीएल सीजन में इंपैक्ट प्लेयर का एक नया और बड़े मजेदार नियम बनाया है। इस नियम से किसी टीम की हार और जीत पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। इस नए नियम के तहत टॉस के वक्त टीम को अपनी प्लेइंग 11 के साथ साथ चार बैकअप खिलाड़ियों के नाम भी देने होंगे। कप्तान मैच के दौरान उन चार खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कप्तान चार बैकअप खिलाड़ियों में से किसी एक को प्लेइंग 11 के किसी एक खिलाड़ी से रिप्लेस भी कर सकता है। वहीं रिप्लेस किया हुआ प्लेयर किसी भी रूप में दोबारा मैच के अंदर शामिल नहीं हो सकता। रिप्लेस प्लेयर को वैकल्पिक फील्डर के तौर पर भी मैच में शामिल नहीं किया जा सकता। इंपैक्ट प्लेयर कप्तानी नहीं कर सकता है। इंपैक्ट प्लेयर रिटायर हर्ट हो चुके खिलाड़ी की जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए भी आ सकता है। दोनों टीमें हर मैच में एक इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर टीम में चार विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर विदेशी खिलाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब आपको बताते हैं कि इस बार होने वाले आईपीएल में डीआरएस का नया नियम क्या है। आईपीएल 2023 की हर एक पारी में 2 डीआरएस होंगे। आईपीएल में खिलाड़ी वाइड और नो बॉल के लिए भी रिव्यू ले सकेगा। आपको बता दें कि महिला प्रीमियर लीग ऐसा पहला टूर्नामेंट है जिसमें पहली बार वाइड और नो बॉल के लिए डीआरएस लेने का सिस्टम आया है। वहीं मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर इस नए नियम का इस्तेमाल करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। कैच आउट होने पर बल्लेबाज ने आधी पिच पार की हो या फिर नहीं, नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक लेगा। अगर आखिरी गेंद होगी तो वह स्ट्राइक नहीं लेगा। तो कैसे लगे आपको ये नए नियम जो कि आईपीएल सीजन 16 में आपको देखने को मिलेंगे, इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।